नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पंजाब में लुप्त हो रही सिख मिनिएचर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए नॉर्थ जोन कल्चर पटियाला ने मनीमारा स्थित कलाग्राम में एक पेंटिंग कंपेनिंग का कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि अलग अलग राज्य से कुल 12 से 15 आर्टिस्ट आए हैं, जो कि अपनी इस मिनिएचर पेंटिंग से लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इसमें विशेषतः हिमाचल से जो पद्मश्री हैं डॉक्टर विजय शर्मा जी, पद्मश्री विजय शर्मा जी आए हैं। तो आइए पहले विजय शर्मा जी से बात करते हैं कि इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। विजय जी, कैंप के बारे में बताइए कि ये कैंप कब से शुरू हो रहा है और कब तक। जी, ये कैंप नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर द्वारा दो हफ्ते के लिए इसकी है अवधि। ये पहली अगस्त से 15 अगस्त तक ये चलेगा। इसमें हम 12 कलाकार राजस्थान से, पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम इस कैंप में हर आर्टिस्ट दो दो चित्र बनाएगा और ये सारे चित्र जो हैं ये सिख स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था उस पे उसी शैली में हम बनाएंगे। क्योंकि एक समय था जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के समय में, जब लाहौर उनकी राजधानी थी, तो बड़े पैमाने पे यहाँ मिनिएचर पेंटिंग की एक्टिविटीज़ रही। महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत सारे कलाकारों को, चित्रकारों को, शिल्पियों को पोषित किया, संरक्षण दिया। मगर धीरे धीरे फिर वो वक्त के साथ ये कला जो है राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण ख़त्म होती गई। और आज की तारीख में कोई ज़्यादा लोग यहाँ है नहीं काम करने वाले, ये परंपरा लुप्त हो गई है। तो इसको दोबारा से जीवित करने के लिए, इस सिख शैली को, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं सब मिलकर, और हमारे पास कला के जो जिज्ञासु हैं वो भी आते हैं मिलने के लिए। हमसे रंगों के बारे में या टेक्निक के बारे में पूछते हैं, हम उनको बताते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन जो है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी तौर पे तो आजकल मिनिएचर पेंटिंग को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। मगर एक अलग बात है कि पाकिस्तान में जो लाहौर यूनिवर्सिटी है वहाँ मिनिएचर पेंटिंग को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ ऐसा कोई अभी तक किसी सरकारी कोई संस्था में नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत और ये मिनिएचर पेंटिंग, ये दोनों कलाएँ राजा महाराजाओं द्वारा पोषित की जाती थी। तो संगीत के लिए तो सरकार ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये प्रावधान किया है सिखाने का, मगर इस कला के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ललित कला अकादमी है, ऐसे सरकारी संस्थान हैं, वो भी जो कंटेम्प्रेरी जो कला है उसको ही प्रोत्साहित करते हैं, मिनिएचर पेंटिंग की तरफ ध्यान नहीं जाता। बात करने से मिनिएचर पेंटिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे ये आपका पेपर है या कलर है, ये किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? देखिए, पेंटिंग कागज़ पे बनती है और ये हैंडमेड कागज़ होता है। अभी भी राजस्थान में सांगानेर में बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता है पेपर का। और जो रंग हैं वो मेटेलिक भी हैं, सोने और चांदी के, वृक्षों से जो निकलते हैं बोटानिकल कलर वो भी हैं, और मिनरल भी हैं, पत्थर उनको पीस के हम रंग बनाते हैं। एक्चुअली ये पत्थर जो हैं ये आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं, उनको पीस के हम रंग बनाते हैं। जैसे काला रंग काजल, दिए के काजल से बनता है, या लाल रंग एक शिंगरफ पत्थर होता है उससे बनता है, नीला रंग नील जो कपड़े रंगने के काम आता है उससे बनता है, सिंदूर, सिंदूरी वो नेचुरल होता है। तो इन सबको, इसको घुटाई करते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, फिर इसमें गोंद मिला के हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक पेंटिंग की लाइफ कितने देर कितनी? अब देखिए ना, अकबर और हुमायूं के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं 500 साल हो गए हैं, तो अभी तक उसकी चमक दम को वैसे बरकरार है। उसका कारण है कि बड़े परिश्रम से रंग बनते थे, कई कई महीने आर्टिस्ट उनको घुटाई करता था, वो कागज़ में ही वो एक नगीने की तरह फिट हो जाते थे रंग। तो अब वक्त के साथ, उस ज़माने में तो कोई बाज़ार में रेडीमेड सामान नहीं मिलता था, जैसे आज की डेट में जो आर्ट स्टोर हैं वहाँ पर आप आर्ट सप्लाई मिल जाती है, कागज़ ब्रश जो है वो सब कुछ बाज़ार में मिलता है। मगर उस ज़माने में आर्टिस्ट ब्रश भी खुद बनाता था गिलहरी की पूंछ के बालों से, और कागज़ तो खैर हैंडमेड पेपर मिल जाता था, मगर रंगों को बड़े परिश्रम से बनाना पड़ता था।
यही कारण है कि आज भी पुरानी पेंटिंग के चमक दम को वैसे ही कायम है। तो आइए हम और भी कलाकारों से बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आया हूँ, जहाँ पर विजय जी रहते हैं, उनके साथ ही मैं उनका साथी हूँ, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है जी। जी तो आप भाई साहब? मैं ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप भी हिमाचल से? जी। हिमाचल से मेरे ख्याल तकरीबन 4 से 5 लोग आए हैं जी। 4 से 7 लोग आए हैं। 6 लोग आए हैं। सभी कांगड़ा ज़िला से ही हैं? नहीं, थोड़े चंबा के हैं। मैं विजय और एक और लड़का यहाँ बैठा हूँ, भूपेंद्र। जी जी जी। ये कांगड़ा से हैं, धनीराम जी कांगड़ा। आप कब से इस प्रोफेशन में? कब से? मैं कोई 25-30 साल हो गए विजय के साथ ही, बचपन से। आप कब से जुड़े हैं जी इस प्रोफेशन के साथ? जी मैं 10 से 12 साल हो गए, तो वहीं से शुरू किया था। तो आपने क्या इसमें रुचि थी या इसको एज ए प्रोफेशन लेके चले थे आप? नहीं, बचपन से चित्रकला का शौक था, फिर ढूंढते ढूंढते लघु चित्रकला की तरफ आए, तो फिर ये कला अच्छी लगने लगी, तो उसमें फिर अब वहीं से शुरू किया फिर इस कला को। तो अच्छा, आपने कोई वहाँ पर कोई आपने एकेडमी भी शुरू किया जिसमें बच्चे को ट्रेंड किया जाता है कुछ? पर्सनल तौर पर विजय जी ने वहाँ पे अपना घर में ही खोला हुआ स्कूल, उसमें रंग ब्रश वगैरह पेपर पेपर देते हैं, जो भी आए सीखने के लिए फ्री में सिखाते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बसोली है जम्मू में, वहाँ पर भी बच्चों को अभी ट्रेंड करके आए हैं, वहाँ पर भी जाते रहते हैं हर साल, उनको बताते हैं रंग कैसे बनते हैं, कैसे पेंटिंग बनती है। बसोली चित्रकला भी ख़त्म हो गई थी, उसको भी इन्होंने जीवित किया। तो इस चित्रकला को जीवित रखने के लिए विजय जी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को फ्री ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ कलाकार दिल्ली से भी आए हैं और चंडीगढ़ के कुछ कला चंडीगढ़ से भी आए हैं। दिल्ली से मंजीत कौर जी आए हैं। मंजीत कौर जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कब से जुड़े हैं आप? मैं यहाँ से तो अभी नहीं आई हूँ, चंडीगढ़ में अभी शिफ्ट हुई हूँ। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, ललित कला अकेडमी में पेंटिंग घड़ी में काम करती हूँ। तो यहाँ के बारे में मुझे पता चला कि पटियाला से काफ़ी सारे कल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सिखिज़्म आर्ट के ऊपर काम करवाया है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और मैं भी कुछ यहाँ पे गुरप्रीत जी आए हुए हैं, तो उनसे कुछ सिख मिनिएचर पे कुछ गुण सीख रही हूँ। मौका मिल रहा है इतने सारे आर्टिस्टों को एक साथ देखने का। तो ये कब से आप जुड़े हुए हैं इस पर? मैं पेंटिंग्स में वैसे 2012 से मैं जुड़ी हुई हूँ, और अभी मैं PhD भी कर रही हूँ देहरादून से। तो यहाँ से चंडीगढ़ में लोकल कलाकार हमारे नीनू विज जी हैं। नीनू विज जी, आप कब से इसके साथ? नहीं, हम ये वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्ट क्यूरेटर हूँ। इसको तो हम अटेंड करने आए हैं, देखने आए हैं, बिकॉज ये जो इतना बड़ा एक समागम है बोलूँगी, जिसमें इतने अच्छे आर्टिस्ट देश के इकट्ठे हुए हैं, अगर हमने उनको नहीं देखा अपने शहर में आने पे भी, तो हम इसका मतलब आर्ट से जुड़े ही नहीं हुए। अगर हम इन लोगों को देखते हैं इतनी पेशेंस से, इतनी पुरानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उसी हिसाब से आज भी काम कर रहे हैं, और पुरानी जो धरोहर है, हेरिटेज है, ये सब लोग उसको संभाल के बैठे हैं, और ये हमारे लिए बहुत मान की बात है कि हमारे शहर में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं। और इन सब का अलग धन्यवाद करना चाहते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी थैंक्स है कि सबको लेके आए हैं यहाँ पे, इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं काम, इनकी मेहनत देख रहे हैं। तो बहुत एक अच्छा ही एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ पंजाब की कोयल सुरेंद्र कौर की पोती और डोली गलेरिया जी की बेटी सुनैनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। सुनैनी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सॉरी, एक्सपीरियंस तो आप सोचिए कि एक आर्टिस्ट के लिए एक दूसरे आर्टिस्ट को देखना, तो एक एहसास यही है कि ये जो काम कर रहे हैं ये रूह की खुराक है। सो जितनी शिद्दत से और जितनी रूदारी से ये सारे बैठ के और जितने सब्र से ये सारे काम कर रहे हैं, ये किसी आम इंसान के बस का है नहीं। सो इसमें जैसे म्यूज़िक में हमको रियाज के लिए बैठना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो सिमिलरली ये मिनिएचर पेंटिंग्स तो वैसे ही अपने आप में ही एक बहुत ही इंट्रिकेट आर्ट है। और मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की भी शायद कला भूलते जा रहे हैं,
सो हमको एज आर्टिस्ट भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और रिस्पेक्ट देनी वो बहुत ज़रूरी है. और बच्चों को यहाँ लाकर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो बच्चे पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनको भी यहाँ आके फील्ड ट्रिप्स के लिए स्कूल्स कॉलेजेस से आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस लेवल का काम हो रहा है और हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे लिए छोड़ के गए हैं. सो और मेरा संबंध तो पर्सनली डबल है क्योंकि मेरे फादर गुलेर कांगड़ा को बिलोंग करते हैं. सो मेरे लिए ये एक पैतृक संबंध भी है. सो मैं तो इस आर्ट के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ. तो आइए हम बात करते हैं पंजाब से. गुरप्रीत जी आए हैं. गुरप्रीत जी, पंजाब में तो ये कला बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही थी, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, और नॉर्थ जोन कल्चरल जो सेंटर है उसका धन्यवाद है जो हमारे पंजाब में, और मैं कहना चाहता हूँ सिखिज़्म में जो हमारी पुरानी कला थी वो ख़त्म होने की वजह, एक जैसे विजय शर्मा जी ने बताया बहुत से रीज़न रहे उसके लुप्त होने के, और धीरे धीरे इसको काम करने वाले सब ख़त्म हो गए. और हम अपने बहुत अच्छे वाक़या समझते हैं जो हमने जो जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए हम जतनशील हैं और नए नए प्रयास भी करते रहते हैं और नई वर्कशॉप भी लगाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं इस कला के बारे में, क्योंकि पंजाब में तो बिल्कुल नाम मात्र है, कोई भी नहीं बचा. और जो मेरा इन्फ्लुएंस है वो हमारे जो पंजाब में अभी तक कुछ वॉल म्यूरल्स बचे हैं उनकी रेफरेंस लेके हम उनको मिनिएचर टच में लाके फिर से उसको बरकरार रखें. तो अभी ये युवा कुछ छूट रहे हैं इसके साथ द्वारा? बिल्कुल, बच्चों में जब काम देखते हैं तो उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे वो इस को अडॉप्ट कर रहे हैं. लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पेशेंस चाहिए और इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जैसे शर्मा जी ने बताया वो कलर्स की है, ब्रशेस की है, मटेरियल की है, और सबसे ज़्यादा जो है उसके लिए पेशेंस की है वो बहुत कम हो रहा है. तो बच्चों में थोड़ा जल्दी फेम होने का भी एक दौड़ है, तो लेकिन फिर भी हैं उनमें इंटरेस्ट आ रहा है भी. चलो धीरे धीरे उनमें अगर हम कुछ एफर्ट करेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको आगे लेके जाएंगे तो नेचरली है वो हमारे साथ जुड़ेंगे ही. एक अच्छा काम तो सदा के लिए ज़िंदा रहता ही है. हमारा पुरखों ने जो हमें दिया हम उसको संभाल रहे हैं, कोशिश है आगे वाले बच्चे भी इससे इंस्पायर होकर आगे लेके जाएंगे इसको. तो मेरा आपके माध्यम के जरिए, ये चैनल के ज़रिए मेरा एक मैसेज भी है भी हमें जो हमारे जूरी नहीं भी वो सिखिज़म के ऊपर है, हमारा जो पंजाब का अपना आर्ट है उसको हमें ज़िंदा रखना है और कोई नहीं आएगा आगे. तो ये हमारी सभी आर्टिस्टों की जिम्मेवारी बनती है जो इस फील्ड में हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो हमारा जो पुराना कल्चर ख़त्म हो रहा है आर्ट का, वॉल म्यूरल में है, गुरुद्वारा में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तो वो जैसे लुप्त हो रहा है. हमारी फ्रेस्कोस थी तो उसको संभाला जाए हमारी एक जिम्मेवारी बनती है. उस बेसिकली मैं नेचर के साथ फ्रेस्कोइस्ट भी हूँ, जो वॉल म्यूरल बनते थे फ्रेस्को पुरातन जो चित्रकारी थी उसको रीस्टोर भी कर रहे हैं और कुछ नए पेंटिंग्स भी बना रहे हैं उसी में. तो बहुत कोशिश है भी चलो इसको संभाला जाए. तो ये थे जो कलाकार कलाग्राम में पहुंचे थे जो कि नेचर को दोबारा से संभालने के लिए, धरोहर को, संस्कृत को संभालने की अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि नॉर्थ कल्चर जोन पटियाला पूरा सहयोग दे रहा है. मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, चंडीगढ़ से.